कभी इनके पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अमेरिका जाकर पढ़ाई कर सके। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होने के बाद भी लेकिन वो गए थे। उनके पिताजी ने अपने साल भर की तनख्वाह के बराबर यानी कि $1,000 की टिकट कराकर सुंदर पिचाई को अमेरिका भेजा था पढ़ाई करने के लिए, और यह उनकी जिंदगी की पहली फ्लाइट थी। और आज वो लड़का गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का CEO है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले सुंदर पिचाई में ऐसी क्या खास बातें हैं जो उनको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने अपना CEO बनाया। टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग सुंदर पिचाई की एनुअल इनकम $240 मिलियन यानी कि लगभग 1700 करोड़ रुपए है। आइए जानते हैं सुंदर पिचाई के जीवन के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों के बारे में। बहुत ही कम उम्र में सुंदर पिचाई को पढ़ाई का महत्व समझ आ चुका था, और अपने स्कूल के समय में भी वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हुआ करते थे। स्कूल के समय में सुंदर पिचाई साइकिल रिक्शा से आना जाना करते थे, और साइकिल रिक्शा में बैठे बैठे भी वो पढ़ाई किया करते थे, और वो पढ़ाई भी इतना फोकस के साथ करते थे कि उनको पता भी नहीं होता था कि उनके साथ कौन बैठा है। एकदम तगड़ा फोकस, और इसी फोकस के साथ वो अपने काम पर भी ध्यान देते हैं, इसलिए आज वो गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी के CEO हैं। सुंदर पिचाई जब पहली बार अमेरिका गए थे, एक दुकान पर उनको एक बैग पसंद आया जिसकी कीमत $60 थी। सुंदर पिचाई के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इस बैग को खरीद सके, और उन्होंने ऑनलाइन एक सेकेंड हैंड बैग खरीद लिया। उस समय एक फोन कॉल $2 का हुआ करता था, जिसके कारण वो 6 महीने तक अपनी पत्नी अंजलि पिचाई से बात तक नहीं कर पाते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुंदर पिचाई का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में कैसे आया। सुंदर पिचाई के पिताजी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और उनके पिताजी रोज उनको अपनी होने वाली डे टू डे एक्टिविटीज के चैलेंजेस के बारे में बताते थे, और यहीं से उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में आया। सुंदर पिचाई के घर के हालात ऐसे थे कि उनके घर में टेलीफोन और रेफ्रिजरेटर भी नहीं था। जब उनके घर में पहला रेफ्रिजरेटर आया, तब उन्होंने देखा कि उनकी माँ फ्रिज में खाना रखने के बाद अपने परिवार को ज्यादा समय दे पा रही है, और यहीं से उनको यह महसूस होने लगा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस दुनिया को बदला जा सकता है। जब सुंदर के घर में पहली बार टेलीफोन आया, और वो एक रोटरी टेलीफोन था, तब उनकी एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, और सुंदर पिचाई की मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का नंबर याद रखते थे। गूगल के एग्जीक्यूटिव बताते हैं कि सुंदर को आज भी कुछ लोगों का नंबर मुंह जुबानी याद रहता है। गूगल ज्वाइन करने से पहले सुंदर पिचाई मैकेंजी एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग का काम किया करते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 में जब सुंदर पिचाई गूगल के इंटरव्यू में पहुंचे थे, उसी वक्त जीमेल का बीटा वर्जन भी लॉन्च हो रहा था। और जब इंटरव्यू में पूछा गया कि वो जीमेल के बारे में क्या जानते हैं, तब पहले के 3 इंटरव्यू में उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें जीमेल के बारे में कुछ नहीं पता। यह बताता है कि सुंदर पिचाई कितने साफ दिल के और सच बोलने वाले इंसान हैं। चौथी बार जब इंटरव्यू में उनसे जीमेल के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बोला कि मैंने जीमेल को आज तक देखा भी नहीं है, और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि वो चाहते थे कि इंटरव्यूअर उनको जीमेल ओपन करके दिखाए और वो कुछ समझ पाए। और इंटरव्यूअर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे सुंदर चाहते थे। जैसे ही उन्होंने जीमेल ओपन करके दिखाया, सुंदर पिचाई को जितना भी समझ में आया उन्होंने इंटरव्यू में जवाब दिया। किसी तरह से आखिरी के 4 इंटरव्यू में सुंदर पिचाई ने जीमेल के बारे में अपनी जानकारी दी, और जीमेल को बेहतर बनाने के आइडियाज भी दिए। और 5वें इंटरव्यू में उन्होंने जीमेल के बारे में कॉन्फिडेंटली जवाब देकर इंटरव्यूअर का दिल जीत लिया। 2011 में ट्विटर ने सुंदर पिचाई को CEO बनने का ऑफर दिया, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी सुंदर पिचाई को अपनी कंपनी का CEO बनने का ऑफर दिया था, जिसको भी उन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि सुंदर पिचाई गूगल के विजन पर विश्वास रखते हैं, और वह लैरी पेज की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे जब उन्होंने कहा था कि हमेशा मुश्किल काम करना चाहिए और बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि मुश्किल काम बहुत कम लोग करते हैं और मुश्किल काम करने में कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं होता है। और गूगल ने सुंदर पिचाई को $50 मिलियन का बोनस दिया था ताकि वो किसी और कंपनी को ज्वाइन न करे। अब मैं आपको सुंदर पिचाई के लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बताता हूँ। पहले google.com नाम का कोई वेब ब्राउजर नहीं होता था, उस समय सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर काम करता था, जिसमें bing.com बाय डिफॉल्ट एक सर्च इंजन होता था। पहले गूगल का सिर्फ एक गूगल टूल बार हुआ करता था। उस समय मोज़िला फायरफॉक्स और ओपेरा ब्राउजर भी काम करते थे, लेकिन गूगल वेब ब्राउजर बिल्कुल नहीं था, और जब किसी को कुछ भी सर्च करना पड़ता था तो वो डायरेक्ट गूगल टूल बार में जाकर करना पड़ता था। सुंदर पिचाई को लगा कि गूगल का भी एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। सुंदर पिचाई ने सोचा कि अगर फ्यूचर में किसी वेब ब्राउजर ने गूगल टूल बार के इंस्टॉलेशन को मना कर दिया, तब गूगल की जो कमाई एडवर्टाइजमेंट से होती है वो सब कमाई बंद हो सकती है, और गूगल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जब यह आइडिया उन्होंने लैरी पेज और एरिक स्किमिडिट के साथ शेयर किया, तब उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि एक वेब ब्राउजर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है और बहुत सारा समय लगता है, और पहले से ही इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा इतना बड़ा वेब ब्राउजर कॉम्पिटिशन में खड़ा था।
छह महीने के बाद 18 अक्टूबर 2006 में वही हुआ जिसका सुंदर पिचाई को डर था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर में रातों रात bing.com को अपना सर्च इंजन बना दिया और गूगल को वहां से हटा दिया, और इससे गूगल को 300 मिलियन कस्टमर्स का नुकसान हुआ। गूगल के ऑफिस में अफरा तफरी मच गई और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। तब लैरी पेज और एरिक ने सुंदर पिचाई को इसका सॉल्यूशन ढूंढने को कहा। संयोग से सुंदर पिचाई अपनी टीम के साथ पहले से ही इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और सुंदर पिचाई ने अपनी टीम के साथ मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। जब भी कोई bing.com पर जाकर कुछ भी सर्च करता था तब एक पॉपअप ओपन हो जाता जहां से कस्टमर वापस गूगल के सर्च इंजन पर पहुंच सकता था, और इस तरह से 300 मिलियन कस्टमर्स में से 80% कस्टमर गूगल ने वापस अपनी तरफ खींच लिए थे। तब लैरी पेज को समझ आ गया कि सुंदर पिचाई कोई आम एम्प्लॉय नहीं है, इस बंदे में कुछ तो खास बात है। सुंदर पिचाई ने HP जैसे कई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक डील फाइनल की जिसमें गूगल टूलबार का सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट होता था। इसके बाद सुंदर पिचाई ने कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल किए जैसे गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, एंड्रॉइड वन और भी ढेरों प्रोजेक्ट्स। 2 सितंबर 2008 में सुंदर पिचाई ने 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में विंडोज XP के लिए गूगल क्रोम का बीटा वर्जन लॉन्च किया। इसके बाद सुंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के वाइस प्रेसिडेंट बने और 2012 तक गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर बन चुका था। इस समय गूगल क्रोम का मार्केट शेयर 67% था, फायरफॉक्स का 8% और इंटरनेट एक्सप्लोरर का 7% मार्केट शेयर था। सुंदर पिचाई सर कहते हैं कि आपको रिस्क लेने वाला और नई नई चीजें ट्राई करने वाला बनना चाहिए। वियर योर फेलियर एज ए बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि जब तक आप नई चीजें ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। जितना ज्यादा प्रैक्टिकली आप चीजों को करते जाएंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस आएगा और आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और उसको आप सुधार सकते हैं। सुंदर पिचाई शर्मीले और शांत स्वभाव के व्यक्ति है, लेकिन साथ ही साथ वो एक डील मेकर, डिप्लोमेटिक लीडर भी है। गूगल के चीफ बिजनेस ऑफिसर निकेश अरोड़ा और लैरी पेज सैमसंग के साथ एक डील फाइनल करने जब साउथ कोरिया गए थे तब सुंदर पिचाई ने बड़ी ही समझदारी से उस डील को फाइनलाइज करवाया था। सुंदर पिचाई के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि जब सुंदर पिचाई किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं और उस प्रोजेक्ट में उनको कोई भी दिक्कत आती है तब अपना मन शांत करने के लिए और नए आइडियाज को सोचने के लिए वो वॉक करने चले जाते हैं या फिर साइकिलिंग करके नए आइडिया के साथ वापस आते हैं। दोस्तों, सुंदर पिचाई के यह रोचक किस्से आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली वो भी मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों, मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर।